यह क्षेत्र अति प्राचीन और अतिशयकारी है। इसे क्षेत्र पर 40 से 50 वर्ष तक अन्य समाज का कब्जा था, जो 2016 में परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर महाराज की कृपा दृष्टि और उनके मंगलमय आशीर्वाद से यह क्षेत्र दिगंबर जैन समाज के लिए फिर से वापस मिला। और यहाँ पर पहाड़ी पर भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ स्वामी जी का भव्य जिनालय बनकर के तैयार हो गया है, जहाँ पर 35 फण वाले पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है। ऐसे उसे जिन मंदिर के दर्शन करने का हम सभी लोगों के लिए आप सभी को आकर के यहाँ पर लाभ लेना है। और यहाँ की विशेषता यह है कि इसे पार्श्वदेव तीर्थ क्षेत्र पर अतिशयकारी अति प्राचीन रोग शोक संकट निवारक है शनिग्रह अरिष्ट निवारक भगवान मुनिसर स्वामी जी का यहाँ पर बहुत बड़ा अतिशय है, जिनकी भव्य प्रतिमा पूर्णा नदी से बहकर के यहाँ पर प्राप्त हुई है, जो अष्ट प्राप्तिहारी युक्त है, जिसका प्रतिदिन यहाँ पर भगवान के शांति मंत्र और अभिषेक यहाँ पर होता है। जो भी भव्य प्राणी यहाँ पर आकर के भगवान का अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते, उनके सभी रोग शोक संकटों का निवारण होता है। सब प्रकार के मनवांछित पल सिद्धि को वह प्राप्त करते हैं, सभी मनोकामनाएँ उनकी सिद्ध होती हैं। ऐसे अतिशयकारी भगवान मुनिसर स्वामी जी का आप सभी लोग यहाँ पर अभिषेक करके पुण्यजन प्राप्त करें। और यहाँ पर तलहटी में चिंतामणि सहस्रमणि पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर भी बनकर के तैयार हुआ है। 1008 फण वाले भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जी उतुंग पद्मासन में 13 फिट यहाँ पर विराजमान है, उनका भी अभिषेक दर्शन करके आप सभी पुण्यजन प्राप्त करें। यहाँ पर साधुओं की रुकने की आहार की व्यवस्था, निहार की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर है। श्रावक गण भी यहाँ पर आते हैं तो उनकी भी यहाँ पर रुकने की समुचित व्यवस्था है। जो भी यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, उन निर्माण कार्यों में आप अपना सहयोग दे करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ये अर वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम जम जम जीं जीं द्रीं द्रीं द्रा द्रा द्रि द्रि द्रवय द्रवय ओम नमो अरते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धभ्याय श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री मुनि सुरत्ना तीर्थंकराय पार्श्वनाथ तीर्थंकराय दादन परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्र संघाय स्वयंबुदे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा ने परम सुखाय त्रैलोक्यसमाप्ताय अनंत संसार चक्रमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्यवंशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मे धर्मेन्द्र फना मंडल मंडिताय ऋषिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्विनाशनाय घाती कर्मनाशनाय घाती कर्मनाशनाय शांतिधारा कर्तारश संघर्ष परम पूज्य मुनिकुंजराचार्य भगवान आदिसागर जी परम्परा आचार्य भगवान महावीर कीर्ति जी आचार्य विमल सागर जी तप सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी आचार्य कुंत सागर जी आचार्य भगवान सुवीर सागर जी चतुर्विध संघर्ष शांतिधारा कर्तारश कुमारी स्नेहा राम भाव जी गड़ेकर सिंदूर जना घाट निवासी गड़ेकर परिवार से अपवायन अस्माक मंत्रम चिंचिंदे विनमने सर्वशूल रोगम चिंचिंदे विनमने सर्वयक्ष रोगम चिंचिंदे विनमने सर्वकुष्ठ रोगम चिंचिंदे विनमने सर्वक्रूर रोगम चिंचिंदे विनमने सर्वनरमारी चिंचिंदे विनमने सर्वगजमारी चिंचिंदे विनमने सर्वशुमारी चिंचिंदे विनमने सर्वगोमारी चिंचिंदे विनमने सर्वमहिषमारी चिंचिंदे विनमने सर्वधान्यमारी
चिंचिने बिन्दे बिन्दे सर रक्षमारी चिंचिने बिन्दे बिन्दे सर गुल्लेमारी चिंचिने बिन्दे बिन्दे सर पत्रमारी चिंचिने बिन्दे बिन्दे सर पुष्पमारी चिंचिने बिन्दे बिन्दे सर फलमारी चिंचिने बिन्दे बिन्दे सर राष्ट्रमारी चिंचिने बिन्दे बिन्दे सर विषमारी चिंचिने बिन्दे बिन्दे सर वेताल शाकिनी डाकिनी भयम चिंचिने बिन्दे बिन्दे सर वेदनियम चिंचिने बिन्दे बिन्दे सर मोहनियम चिंचिने बिन्दे बिन्दे सर कर्माष्टकम चिंचिने बिन्दे बिन्दे ओम सुदर्शन महाराज चक्रव्यूहम तेजो बलम शौर्यवीर शांति सर्वजनानंदनम कुरु कुरु सर्वभव्यानंदनम कुरु कुरु सर्वगोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वग्राम नगर केट करवट मट्टंदोन मुखासवानंदनम कुरु कुरु सर्वलोकानंदनम कुरु कुरु सर्वदेशानंदनम कुरु कुरु सर्वयजमानंदनम कुरु कुरु सर्वदुख हन हन दह दह पच पच पाचे पाचे कूट कूटम शीघ्र सर्वमनः पट स्वाहा इतम सुखम त्रिशलोकेशु व्याधितम वर्जितम अभय सिंह आरोग्ये ससुरस्तु विदयते स्युमस्तु सदास्तु कुलगोत्र धान्य सदास्तु कुमारी स्नेह राम भाव जी गड़ेकर सिंधुरजना घाट अभिषेक करता रश पुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धान्य सदास्तु श्री समधर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ही अर संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष प्रदाश भवतु सदास्तु चंद्र प्रभु वासपूज्य मलदीवरदान पुष्पदंत शीतल मुनिसुरत्नाताय नेमिनाथ पार्श्वनाथित्येभ्यो नमः संपूजकानां प्रतिपालकानां एतीन्द्र सामान्य तपोदनानां देशाशुराष्ट्रेषु करोतु राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रम् श्री पार्श्वोदय अति प्राचीन तीर्थ क्षेत्र जो महाराष्ट्र के नागढाणा की सुरम्य पहाड़ियों के मध्य अपनी अनुपम छटा बिखेर रहा है, जिसका जीर्णोद्धार का कार्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुवीर सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा से अनवरत रूप से जारी है। इसके अलावा तीर्थ पर पहाड़ मंदिर, पहाड़ी सीढ़ी, आदिनाथ गौशाला, संत भवन एवं आधुनिक यात्री निवास का कार्य भी प्रगति पर है। इसी पार्श्वोदय तीर्थ पर चतुर्थकालीन अतिशयकारी भगवान मुनि सुव्रतनाथ जी की दिव्य प्रतिमा पूर्णा नदी से बहकर आई थी, जिसका प्रतिदिन प्रातः 9 बजे अभिषेक एवं शांति धारा किया जाता है। शांति धारा का सौभाग्य मात्र 2100 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। क्षेत्र पर आने का मार्ग बैतूल से 70 किलोमीटर, नागपुर से 100 किलोमीटर, छिंदवाड़ा से 110 किलोमीटर एवं मुक्तागिरी से 80 किलोमीटर स्थित है, जिसमें आप भी अपना आर्थिक सहयोग प्रदान कर पुण्य लाभ ले सकते हैं। आप अपनी राशि दिए गए अकाउंट नंबर पर जमा करा सकते हैं। सुवीर संस्कार मंच अकाउंट नंबर 04662001386 IFSC कोड BARB0GANNAG अकाउंट नेम बैंक ऑफ बड़ौदा गांधीबाग नागपुर। बुकिंग हेतु संपर्क करें 7517611108 या 9422857717। स्थान श्री 1008 पार्श्वोदय दिगंबर जैन तीर्थ नागठाणा वरुड़ जिला अमरावती महाराष्ट्र।